सभी आजकल हेल्थ को लेकर बहुत ध्यान देते हैं। अगर मैं आपको बताऊं एक ऐसा करियर ऑप्शन जो आपकी सेहत का तो ध्यान रखेगा ही, मगर साथ ही में आपकी कमाई का भी जरिया बनेगा। नमस्कार, मैं हूं तमन्ना और हम शुरू कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग पर एक ऐसी सीरीज जिसमें हम बताएंगे कि इसमें अपना करियर कैसे स्टार्ट करें और हम देंगे जैविक खेती से जुड़े आपके सारे सवालों के जवाब। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं हार्दिक रावत जी से, जिन्होंने अपनी व्हाइट कॉलर आईटी की बढ़िया सैलरी की नौकरी छोड़कर एग्रीकल्चर का हाथ थामा। हार्दिक रावत पिछले कई वर्षों से जैविक खेती कर रहे हैं और उन्होंने खेती को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में बदला है। आज एक सफल एंटरप्रेन्योर होने के साथ साथ वो दूसरे किसानों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। चलिए जानते हैं उनको ये डायरेक्शन कैसे मिली। कैंसर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी एक्चुअली महामारी है। उसको डिफीट करने के लिए पेस्टिसाइड फ्री फूड हो, कैंसर रहित फूड हो, उसका जरूरी है होना। मेरा नाम हार्दिक रावत है। मैं एक एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज फर्म जैविक डिजिटल का मैं ओनर हूँ। ऑर्गेनिक फार्मिंग करके एक्चुअली ऑर्गेनिक प्रोड्यूस जैसे वेजिटेबल्स हैं, ग्रेन्स है, देन फ्रूट्स है, ये सब एक्चुअली उसका का प्रोडक्शन का एक नो हिस्सा वो मेरी फार्म का आता है। अगर कोई एक्शन लेगा तभी चीज़ बनेगी, तो हमने एक्चुअली कहीं से हिम्मत जुटाई और जैविक डिजिटल का स्थापना की। आज वो एक एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने आज एग्रीकल्चर की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन शुरू करी है जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कार्यरत है। प्रोडक्शन से लेकर फार्मिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। आइए जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही मुश्किल राह है कि जो आपको एक्चुअली आसान सैलरी, हर किसी को 30 तारीख को सैलरी आने में अच्छा लगता है। सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति जो होता है उसके लिए अपनी अर्निंग का कोई फिक्स रहता नहीं है। लेकिन अगर आपका एरिया चॉइस वाला है, जैसे अगर मेरे केस में है तो एग्रीकल्चर मेरा चॉइस एरिया है कि वहाँ वो फील होता है कि हम धरती से जुड़े हुए हैं और शायद कहीं कभी यही काम करते थे ये किसी एक्चुअली समय में या पिछले समय में, उससे जुड़ाव एक्चुअली महसूस हुआ, उसके अंदर कुछ करने की इच्छा हुई और उसके अंदर बहुत सारा एक्चुअली इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। भोजन जो है वो बहुत जरूरी है होना, राइट भोजन, और पेस्टिसाइड फ्री फूड हो। जो फॉर्म है वो एग्रीकल्चर नॉलेज मैनेजमेंट ट्रेनिंग और एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंटेशन सर्विसेज, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसको एक्चुअली फार्मर्स तक एक्चुअली पहुँचाना, ये सब कार्य में मेरा फर्म जो जैविक डिजिटल कार्यरत रहता है। इतना टाइम दशक बिताने के बाद लगता है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो मेरा चॉइस था व्हाइट कॉलर को मूव करके ये एरिया मूव करना, वो एक्चुअली काफ़ी पॉजिटिव रहा। अपनी हर सीरीज के पार्ट में हम कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़े सारे सवालों के जवाब दें। अगर आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट करिए और हम आपको उसका सलूशन दें। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को जिससे आपकी अगली वीडियो मिस ना हो। क्या आप ऑर्गेनिक फार्मिंग का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो अगला वीडियो आपके लिए ही है।